हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके गांव में कौन कौन सी सरकारी सुविधाएं जो हैं होने जा रही है, कितना सरकार की तरफ से आपको फ़ंड मिला है और कितना काम जो है बाकी है। सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने मोबाइल में पा सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य के हों। तो ये वीडियो जो है पूरा देखिएगा, आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मैं बताऊँगा कैसे इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप पता कर सकते हैं कि आपके ग्राम के पंचायत में कौन कौन सी सरकारी सुविधाएं चल रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कितना काम हो चुका है, कितना राशि दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके ग्राम में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कितने पैसे आए हुए हैं, कौन सा प्रधान आपके काम कर आ रहा है, कितना काम बाकी है, ये जानने के लिए आपको जो है एक एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करना पड़ेगा, जो आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा। बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारा गवर्नमेंट है, उसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपको टाइप करना है ई ग्राम स्वराज। जैसे आप दोस्तों टाइप करेंगे तो आपको इस प्रकार का सिंबल दिखेगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। काफ़ी 7 MB का जो है ये लगभग ये एप्लीकेशन है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। अब देखिए, ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, जैसे कि मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है। अब मैं ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये ओपन किया गया एप्लीकेशन है, ई ग्राम स्वराज आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना राज्य सेलेक्ट करना है। यहाँ पर इंडिया के जितने भी राज्य हैं सारे राज्य के नाम आएंगे, तो आपको अपना राज्य जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए सारे राज्य के नाम आ रहे हैं, जो भी आपका राज्य है उस राज्य को सेलेक्ट कर लीजिए। एग्जाम्पल तौर पर मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश को सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे जिला पंचायत का जो है ऑप्शन आया हुआ है, तो जिला पंचायत के ऑप्शन पे आपको जाना है। इस यहाँ पे जो है आप अपना पंचायत जो है चेक करना है, तो आपके पंचायत का नाम होगा दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे जिला आप अपना टाइप कर लीजिए, जैसे कि मेरा जो है रीवा ज़िला में आता है, तो मैं यहाँ पे रीवा ज़िला को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद दोस्तों जनपद पंचायत आएगा। अब जनपद पंचायत में देखिए यहाँ पे गंगे हनमना जो भी आपका है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये करने के बाद दोस्तों मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे जनपद पंचायत अपना डाल दिया है। डालने के बाद आप देखेंगे नीचे सबमिट का बटन होगा, सबमिट के बटन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर आएगा। यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर में आप यहाँ पर देख सकते हैं 20, 21, 22 जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर में देखना है, किस ईयर में कितना काम हुआ है, कितना बकाया है, कितना राशि आई है। मान लीजिए मैं जो है अभी का देखना चाहता हूँ 2024 और 2025 का, तो मैं जो इसको सेलेक्ट करूँगा। अगर आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आप जाएंगे, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर जो है यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए मैं जो है 22-23 कर लेता हूँ, या फिर 23-24 जो भी आप अकॉर्डिंग अपने कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 22-23 का देखना चाहता हूँ, यहाँ पे कर लिया है। इसके बाद इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोग्रेस का ऑप्शन जो है आ रहा है। अब यह फाइनेंशियल प्रोग्रेस का ऑप्शन जो है इसको आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करते हो फाइनेंशियल प्रोग्रेस पे, तो यहाँ पे आप देखते हो जैसे कि मैंने मध्य प्रदेश रीवा नईगढ़ी बैजला का जो है सेलेक्ट करना चाहा है, फाइनेंशियल ईयर ये है हमारा। अब यहाँ से जो है आप कितना पैसा आया हुआ है, देखिए इतना पैसा जो है रिसिप्ट है जिसमें इतना एक्सपेंडिचर हुआ है, किस काम के लिए हुआ है, ये भी यहाँ पे पूरा डिटेल जो है आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे टोटल जो है, यहाँ पे देखिए स्कीम का नाम बताया गया है कि इस स्कीम के तहत जो है 15th स्कीम फाइनेंशियल कमीशन के तहत जो है यहाँ पर लगभग आप देखोगे 11 लाख रुपये जो है दिया गया है। रिसिप्ट अमाउंट यहाँ पे रिसिप्ट किया गया है, जिसमें दोस्तों 75,000 रुपये जो है खर्च किया गया है। अब ये 75,000 रुपये कहाँ पे खर्च हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे बाउचर नंबर दिया गया है। यहाँ पे बाउचर का डेट दिया गया है 16/1/2023 को जो है 21,000 अमाउंट जो है खर्च हुआ है। कहाँ पर खर्च हुआ है डिटेल पर जाएंगे। अब यहाँ पर नीचे आप इसको करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे, यहाँ पर बताया गया है पेमेंट फॉर द चेयर एंड टेबल अलमीरा। तो ये जो है पंचायती राज प्रोग्राम के तहत जो है ये पेमेंट किया गया है, और ग्राम पंचायत प्रोग्राम के तहत जो है दिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे जो है इसको पेमेंट लिया गया है। इसके बाद दोस्तों इसी प्रकार जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे और डिटेल, जैसे 9,000 किसके लिए खर्च किया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे एक्सपेंडिचर जो हुआ है ये फोटो कॉपिंग स्टेशनरी के लिए जो है खर्च किया गया है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर और जाते हैं, नीचे आप जाते हो तो यहाँ पे ये मालूम चलता है कि ये 32,000 रुपये लाइट फिटिंग फैन बोर्ड के लिए जो है खर्च किया गया है। अब यहाँ पे बाउचर नंबर भी दिया गया है, और यहाँ पे देखिए कैसे पेमेंट किया गया है।
इसी प्रकार दोस्तों ये तो मैंने 2022 और 23 का देखा है, अगर आप 24 या 25 का देखना चाहते हैं, मान लीजिए अभी 23-24 चल रहा है इसका देखना चाहते हैं, तो इसको फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे ये सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर पर आपको क्लिक करना है, फिर सेम उसी तरह जो है देखिए यहाँ पे 23 लाख जो है दिया गया है जिसमें 9 लाख खर्चा किया गया है। अब ये 9 लाख खर्चा जो है यहाँ पे आप देख सकते हो जो 14 फाइनेंस कमीशन है उसके तहत जो है 1,76,000 रुपये जो है रिसिप्ट हुआ है, जिसमें 1,33,000 खर्च हुआ है। दूसरा जो है जो फाइनेंस है उसमें जो है 21 लाख दिया गया है, 7 लाख खर्च हुआ है। तो अगर आप ये देखना चाहते हो कहाँ खर्च हुआ है तो यहाँ पे इस प्रकार खर्च कीजिए। और यहाँ पे देखिए डेट आ जाएगा, यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं कि यहाँ पे पैसा कहाँ पे खर्च हुआ है। तो ये पेमेंट फॉर द नादेप निर्मन गजराज, इसके लिए वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए जो है इसके लिए जो है 15,000 रुपये इसमें खर्च किया गया है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे और देख लेते हैं, तो यहाँ पे 1/10/2023 को 15,880 रुपये जो है यहाँ पे आप देखोगे पेमेंट फॉर द नादेप निर्माण सुखलेश के घर के पास, सुखलेश के घर के पास यहाँ पे पर्टिकुलर नाम ये लिखा गया है और वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन जो है ये दिया गया है। तो आप यहाँ पे ये सब देख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे और नीचे आते हैं तो आप जो है यहाँ पे ये पता कर सकते हैं कि 1/10/2023 को जो है 15,880 रुपये जो है यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे देखिए चंद्रमानी के घर के पास वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन का दिया गया है पैसा। इसी प्रकार यहाँ पे और आएंगे 15,000 जो है किनको दिया गया है, यहाँ पे देखिए ये निर्माण प्रमोद को दिया गया है वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। तो इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप रिसेंटली इस ईयर का देखना चाहते हैं तो आप जो है 24-25 का क्लिक कीजिए, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 16 लाख जो है पैसे दिए गए हैं जिसमें 2 लाख रुपए खर्च किए गए हैं लगभग। अब इसमें जो है इसका रिसिप्ट जो है यहाँ पे आप देखेंगे, ये देख लीजिए। अब ये देखिए 3/5/2024 को 52,000 रुपये जो है किसको दिए गए हैं यहाँ से आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेमेंट फॉर द पुलिया निर्माण कार्य द्वारकापुरी के पास पंचायत राज प्रोग्राम के तहत इनको दिया गया है 52,000 रुपये, मतलब इस काम में खर्च किया गया है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे नीचे अगर आप आते हो तो 7/7 मतलब ये पिछले महीने की बात है, 7 जुलाई 2024 में जो है 41,000 रुपये खर्च कहाँ पे किया गया है। तो इसका डाटा अगर अपलोड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए वाटर टैंक एंड फिटिंग आइटम के लिए वाटर सप्लाई सैनिटेशन के तहत जो है यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो ये सब चीज़ जो है बताया गया है। इस प्रकार दोस्तों आप अपने गांव पंचायत में जो है सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं कि कहाँ पे कितना रुपया खर्च किया जा रहा है और आपका जो प्रधान है वो पैसे कहाँ खर्च कर रहा है। तो आपका सवाल बनता है कि आप जो है इसको दिखा के आप अपने प्रधान से सवाल पूछ सकते हैं कि ये पैसे किसको मिल रहे हैं कि नहीं मिले हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। ये ऑनलाइन डाटा जो है आप इस प्रकार देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।